आपको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक है? मेरा मतलब मुझ पर भरोसा है ना, और मुझे अब भी यकीन है कि ब्रिज बीमारी का नाटक कर रहा है। ये सब करते हुए सिर्फ सुषमा का चेहरा दिखाई देता है। कुछ भी हो, सच सामने आना चाहिए बस। दीदी, अगर आप ना हो तो हम सभी कैसे मैनेज करते? खबरदार अगर थैंक्स कहा तो। अरे भैया, इतनी सुबह सुबह? मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा कर आ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि ब्रिज की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना होगा। एक मैं एम्बुलेंस साथ लेकर आया हूँ, तू जल्दी से इन्हें लेके चल। क्या तमाशा हो रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुशी, अरे बस करो संदीप, बहुत हो गया। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। सुषमा ने कसम दी, इसे मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी, बस अब मेरे मामले से दूर रहो, समझे? लेकिन बिच्ची, बस मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कैसे भी भागना पड़ेगा बेटा ब्रिज, वरना आज तेरी पोल खुल जाएगी। और साला है संदीप, इसे जरूरत क्या थी मेरे मामले में पड़ने की? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, संदीप के पास इतनी अकल नहीं हो सकती और ना ही हिम्मत है। जरूर इसके पीछे ज्योति है। हाँ, उस दिन की मुलाकात के बाद उसे मुझ पर शक हो गया होगा और वही करवा रही है ये सब। लेकिन लेकिन अब करूं क्या मैं? डॉक्टर ने जांच की तो सब सच सामने आ जाएगा, और बीमारी के बिना इलाज किया तो वैसे ही भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। कुछ सोच ब्रिज, कुछ सोच। साले ने कब्र तो खोद दी है मेरी, बस धक्का देना बाकी है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा? ये तो मेरे शरीर में सोए चुभने की बातें कर रहे हैं, पर ऊपर से ये बायोप्सी, ना जाने क्या क्या करेंगे ये लोग मेरे साथ। मेरे लेकर पर ताला पड़ गया था, जो एक फर्जी रिपोर्ट दी मैंने सुषमा को। तू तो गया ब्रिज, तू तो गया, तेरा भांडा फूटने वाला है। कुछ कर, कुछ सोच, यहां से निकल। कैसे निकलूं? मुझे ना ही इनसे कुछ चाहिए और ना ही मैं इनसे कुछ सुनना चाहती, समझी तुम? सुनना नहीं चाहती ना, तो देख ले, अपनी आंखों से देख। ये है ब्रिज की रिपोर्ट्स। कुछ नहीं हुआ है उसे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। वो सिर्फ हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहा था ताकि तुम काम करो और तुम्हारे कमाए हुए पैसों से वो ऐश करे। देख देख देख।